कोरोना काल के इस दौर में तमाम रेडीमेड काम पर और तमाम और व्यापारों पर बड़ा असर पड़ा है। इसी के सिलसिले में हम बरेली की केबी क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं। ये मार्केट जो है कटरा माल राय के पास बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई है, और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुतुब खाना नज़र आता है, जो बरेली का दिल भी कहलाता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ा व्यापार होता है रेडीमेड मार्केट का, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के इस दौर में इस व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ा है। यही वजह है कि जो व्यापारी हैं उनकी आंखें ग्राहकों का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन ग्राहक इक्का दुक्का संख्या में ही नज़र आ रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा पूरी मार्केट को दिखाना चाहता हूँ। बड़ी मार्केट है, तमाम कपड़े का काम होता है, तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आते हैं। दूर तक देखिए बड़ी मार्केट है, और साथ ही मैं थोड़ा सा बताना ये भी चाहता हूँ कि इस टाइम नवरात्रि का शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, लेकिन ग्राहक फिर भी कम है। हम एक दुकान में मौजूद हैं, थोड़ा सा होटल के मालिक से जान लें कि कोरोना काल के इस दौर में जो आपका व्यापार है कैसा असर पड़ा है? बड़ा असर पड़ा है, ग्राहक नहीं है। जो आप जब तक कोरोना काल शुरू हुआ है उसमें अब तक स्थिति बहुत खराब रही है व्यापार की, और भी ग्राहक। अच्छा ये बताइए, व्यापारी की जो नज़र होती है, निगाह होती है, वो त्योहारों पर होती है। नवरात्रि शुरू होगी, दशहरा है, दिवाली है, कुछ मुस्लिम त्यौहार भी हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं? अब उम्मीद तो पूरी लगाई, नवरात्रि का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ शुरू हुआ नहीं। आज दूसरा नवरात्रा निकल, काम बिल्कुल भी शुरू हुआ नहीं। आगे अब देखते हैं दीपावली के ऊपर उम्मीद लगा रहे हैं कि काम अभी शुरू होगा। बहरहाल इन्होंने कहा कि त्यौहार का मौसम भले ही शुरू हो गया है, लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मीद तो क्योंकि दुनिया कायम है, ये कहा जाता है कि उम्मीद इंसान को हमेशा रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, और उम्मीद आज भी उनके दिल में ज़िंदा है ताकि जो व्यापार है वो पटरी पर आ सके। बहरहाल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और भी लोगों से मिलेंगे। इसको ये उम्मीद होती है कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो त्यौहारों से बढ़ सकता है, लेकिन इस बार ग्राहकों के पास भी पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के इस दौर में तमाम ग्राहकों की कमर भी तोड़ दी है, इसी वजह से व्यापार पर भी असर नज़र आ रहा है। इसी सिलसिले में बरेली की एक बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ, और मैं थोड़ा सा इस दुकान को भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ रेडीमेड का काम होता है, लेडीज सूट का तमाम काम होते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सब खूबसूरत जो है सब तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। पीछे का भी मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि लेडीज़ सूट अलग अलग रंग के और बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी कारीगर ने जो है कोई चमत्कार कर दिया है। आपका जो व्यापार है उस पर कैसा असर पड़ा? कोरोना काल से तो बहुत ही ज़्यादा व्यापार पर असर पड़ा है, कामकाज बिल्कुल जीरो है जी। और जिस वक्त भी आप बाज़ार में खड़े आप देखिए कोई भी कस्टमर मार्केट में नहीं है। इसकी वजह क्या है, अभी तक तो मद्दा था, अभी नवरात्रि आए हैं तो कुछ थोड़ा सा उम्मीद करते हैं, नवरात्रि के बाद दशहरा आएगा, दुकानदार तो बस उम्मीद ही है। बाकी क्या है कि फसल भी काश्तकार की जैसे कटी है, और उसको उसका भरपूर जो लागत मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो रेट उसको नहीं मिल रहा है। तो हम व्यापारी तो व्यापार के ऊपर इसी के काश्तकार पे ही डिपेंड है, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा तो बाज़ार में रौनक आएगी, बाज़ार में पैसा आएगा। बाकी क्या है कि दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, इसी उम्मीद पे ही बस बैठे हैं कि कारोबार चलने की संभावना उम्मीद कर सकते हैं जी। बाकी जी बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, दुनिया आज भी अगर जी रही है तो उम्मीद पर है। मैं थोड़ा सा एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये तमाम जो व्यापार है पूरी तरह से कहीं ना किसानों के अलावा भी और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। त्यौहार बिल्कुल चल रहे, पूरा महीना त्यौहारों का है, ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। मेन वजह जो है लोगों के पास पैसा नहीं है, और कुछ उम्मीद है कि आगे बेहतर हो सकता है? पैसा तो किसी पर नहीं है, जब पैसा होगा तभी कारोबार चलेगा, त्यौहार भी जब जब पैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसको उम्मीद तो कोई नज़र आ नहीं रही है। आज हम लोग वो चीज़ अगर लेने जाए, हमारा व्यापार है तो हमारा भी मन करेगा आज हम ये चीज़ खरीदें, ये चीज़ खरीदें। जब व्यापारी नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, मेन परेशानी तो ये है ना, मेन तो व्यापार चलने के ऊपर है। ये है व्यापारियों की जो नज़रें हैं वो ग्राहकों को तलाश रही हैं, लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के तमाम तरह के त्यौहार आएंगे, और इस पर नज़र अगर व्यापारी की रहती है तो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कोरोना काल के इस दौर में इन बातों पर भी असर पड़ा है।
त्यौहार का मौसम है और अगला एक महीना लगातार त्यौहारों से जुड़ा हुआ है। हम इसी सिलसिले में बरेली की एक बड़ी मार्केट में मौजूद हैं और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा पहले इस मार्केट के, इस दुकान के बारे में। यहाँ थोक का काम होता है, कपड़े का बड़ा तो व्यापार होता है, बड़ा काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार पर कपड़े के इस व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। कोरोना काल के इस दौर में ग्राहकों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनका काम रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी निकालना था, उसी तरह से इसी वजह से कहीं ना कहीं उन पर पैसों की कमी है और ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। जो व्यापारी हैं उनकी नज़रें, उनकी आँखें लगातार ग्राहक के इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन ग्राहक धीरे धीरे कर आ रहे हैं, बहुत कम संख्या है। इसी सिलसिले में हमारे साथ दुकान के मालिक भी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा और जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए, कोरोना ने पूरी सृष्टि को बदल के रख दिया, और कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को केवल और केवल सकारात्मक सोच लेके ही आगे बढ़ना होगा। एक अंधेरे भरी रात के बाद एक सवेरा उजाला आता है, वही उजाले की किरण का इंतज़ार है, और सकारात्मक सोच ही इस मुश्किल राह को आसान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में, शब्दों में अपनी बात कही। थोड़ा सा एक और आपसे सिलसिले को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर हम 6 से 7 महीने का पिछला वक्त देखें, किस तरह किस मुश्किल भरा हुआ है? सर, पॉजिटिव सोच मुश्किल और आसानी वाली बात नहीं, बात यह है कि हम उस चीज़ों को कैसे रख के देख के चलते हैं। बात यह है, सब मतलब समझ जो है सब थिंकिंग लेवल की है, मेंटेलिटी की है। अगर हम उसे पॉजिटिविटी की तौर पे देखें तो वो पॉजिटिव लगेगी, और नेगेटिविटी की तौर पे देखें तो वो नेगेटिव रहेगी। जी जी, खूबसूरत शब्दों में बात कही, बहुत ही सकारात्मक इंसान लगते हैं बातों से, और उनकी सोच ये जाहिर करती है। उनका कहना भी है कि हर रात की सुबह होती है और इस रात की भी सुबह होगी। उनको अपने रेंज का माल चाहिए होता है। अच्छा, ऐसा ही नहीं है ग्राहक के पास, सीधे सीधे कहा जाए। देखिए, ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, एक आ रहे हैं तो बहुत खाते हैं, मैंने ऐसे की बात नहीं कुछ भी नहीं। आने वाला समय और क्रिटिकल होगा, अगर जिसके पास अपना पैसा नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ी समस्या है। अच्छा अच्छा, ये और बात बताइए, त्यौहार का मौसम चल रहा है पूरा एक महीना, दशहरा, दिवाली और तमाम त्यौहार, कितनी नज़र है आप? तैयारी भी है पूरी, लेकिन आगे हरी इच्छा जैसा होगा, ऐसा समय होगा वैसे करेंगे, अभी तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। ग्राहक कम नज़र आ रहे हैं? हाँ, मंडी में ग्राहक कम है पहले जैसा। हाँ जी, वैसे स्थिर नहीं है, लेकिन आने वाले समय अच्छा होगा, इस उम्मीद से हम तैयारी कर रहे हैं। और पॉजिटिव सोच जो रखेगा वही आगे बढ़ेगा, वही ज़माने को जीत लेगा, वो उसी की ज़िंदगी में रात के बाद सुबह आएगी। भारत, इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन प्रकाश के साथ अलविदा रहूँगा।